जिनको भी आर्थिक परेशानी रहती हो, घर में पैसों की तंगी रहती हो, वो लोग क्या करें, ये होली आ रही है थोड़े दिन बाद, होली की रात को दूध और चावल की खीर बनाकर घर की छत पे रखना, दिया जलाकर चंद्रमा को दिखाना और पानी का लोटा भर के अर्घ्य देना, मंत्र बोलना, दधि शंख तुषाराभम, दधि शंख तुषाराभम, दधि शंख तुषाराभम, दधि शंख तुषाराभम, क्षीरोदारणवसन्निभम् नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम् ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः। इसके प्रभु आपके लिए हमने ये दूध और चावल की खीर बनाई है, आप इसको स्वीकार करो, ऐसा थोड़ा प्रार्थना करना, फिर आपको जो प्रार्थना करनी है घर के लिए वो प्रार्थना कर दो, बस। हर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी वो संकष्ट चतुर्थी मानी जाती है, उस दिन भी चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दिया जाता है, गणपति जी के नाम का जप किया जाता है 2-5 मिनट। कर्जा है किसी के सिर पर तो, या कोई काम नहीं होता है, अटका रहता है काम, तो हर सोमवार को एक 5 बत्ती वाला दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दे, आरती कर ले। गुरुवार हो तो गुरु जी के आगे 5 बत्ती वाला दीपक जला दे। हनुमान जी को मानता हो कोई तो हनुमान जी के आगे मंगलवार या शनिवार को 5 बत्ती वाला दीपक जला दे और फिर प्रार्थना कर ले। कब्रों के आगे, मजारों के आगे दया की भीख मत मांगना, जादू टोने वालों के पास चक्कर मत काटना, जन्म पत्री लेकर कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, ये सरल उपाय है, ये करना। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। कोई देवी ऐसी है शादीशुदा गृहिणी कि उसको बच्चा रहता तो है पर 2-2.5 महीने में गिर जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है, तो क्या करें, देसी गाय का दूध, बस दूध निकला और छान कर 1 गिलास दूध में थोड़ी सी मिश्री पाउडर मिला के पी ले, वहीं बैठ के, देर न करे। ऐसा नहीं कि गाय कहीं है और दूध निकाल कर ले आए, आधे घंटे के बाद पी रहे हैं तो फायदा नहीं होगा। दूध निकला, मिश्री पाउडर मिलाया, छान कर दूध पी लिया, उसी समय पी लिया बस। 1.5 महीना ये कोर्स करे वो देवी तो उसको जो बच्चा होगा सब देखते ही रह जाएंगे, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। और थोड़ा ध्यान करें इस प्रकार कि जैसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ बच्चे को अश्वत्थामा ने मार डाला था, तो उत्तरा ने भगवान की शरण ली थी और भगवान की कृपा से उत्तरा के गर्भस्थ बच्चे की रक्षा हो गई थी और वही राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसे उत्तरा के बच्चे को भगवान ने बचाया, ऐसे मेरे बच्चे की भी रक्षा भगवान कर रहे हैं। हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे राम, हे मेरे नाथ, हे मेरे गुरुदेव, हे प्रभु, हे हरि, ऐसी प्रार्थना करे तो रक्षा होती है। कभी कभी घर पे एक धारणा कर सकते हो, आप बैठे सुबह शाम रात जब भी शांत बैठ कर अपने इष्ट मंत्र का जप होठों में करना, समझो राम 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 राम, फिर चुप हो जाएं, फिर ऐसी धारणा करें कि हमारे घर के चारों तरफ ये भगवान का नाम राम राम फैला हुआ है और हमारे घर की रक्षा कर रहा है। ऐसी भावना करें कि मेरे घर के चारों तरफ राम राम। ऐसा अगर 2-2 मिनट दिन में 3 बार कोई करे ना अपने घर पे, तो सचमुच उसके घर के चारों तरफ ऐसा एक घेरा बन जाएगा कि आपका कोई बाल माका ना कर सके, अनिष्ट टल जाए।
कल हम एक सज्जन के घर गए थे तो उन्होंने बताया सातपुर में रहते हैं। सातपुर है नासिक में, सातपुर सुना? सातपुर तो है नासिक मध्य, वहाँ रहते हैं। तो उनकी पत्नी वो कहते हैं, ये लिख कर दिया है उन्होंने मुझे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सन 2000 साल की ये घटना है, जब हम माले गांव में रहते थे, इस साल में नवरात्रि के दिनों में मेरे छोटे भाई की पत्नी की प्रसूति हुई। प्रसूति के दौरान कुछ ऐसी तकलीफ हुई दाई की नासमझी के कारण कि उसको बहुत सारा खून अंदर ही अंदर जमा हुआ था। डॉक्टरों के पास चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि ये पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटों तक जिंदा रहेगी, ये माई नहीं रह सकेगी, नहीं बच पाएगी। और आखिर में काफ़ी प्रयासों के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया कि अब इस डेड बॉडी को ले जाओ। हम लोग अंतिम यात्रा की सामग्री लेकर घर पर आए और शमशान भूमि में उसको लेकर भी गए। सुनिए, शमशान भूमि में उसको लेकर भी गए, लकड़ियां खरीद ली, लकड़ियां जमा दी। घर पे सब लोग रो रहे थे तो मेरा तीसरा नंबर का भाई दिलीप, जो अकेला हमारे घर में बापूजी से दीक्षा प्राप्त कर चुका था, उसको रोते रोते अचानक प्रेरणा हुई कि भाभी को लेकर सूरत के आश्रम में जाए। शमशान से ले आए भाभी को, सूरत आश्रम में जाए। उसी अवस्था में काफ़ी लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि मुर्दे को लेकर कहां कहां घूम रहा है। सारा समाज इस कृत्य के खिलाफ था और कह रहा था कि ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी भाई की जिद के आगे कुछ चला नहीं। आखिर हमने एक ट्रैक्स बुक करके सूरत आश्रम की यात्रा की। तब हमारे घर में केवल एक भाई दीक्षा लिया हुआ था, हम सब निगुरे थे। मेरा भाई घर से लेकर सूरत तक गाड़ी में बैठे हुए जप कर रहा था। आधे रास्ते में ही भाभी अचानक उठकर बैठी और बोली, मुझे पानी पिलाओ। हम सब के जान में जान आ गई और गुरुदेव की कृपा का ये दर्शन हमको प्रत्यक्ष वहाँ पर मिला। ऐसा करते करते फिर भी हम सूरत आश्रम पहुँच गए। आश्रम पहुँचने के बाद वैद्यराज को रिपोर्ट दिखाई, हमारी भाभी ने वड़दादा की 108 परिक्रमा की और बापूजी की एक तस्वीर हमने वहाँ से ली और वड़दादा का जल ले लिया और कुछ आयुर्वेदिक औषधि ले ली। तब से लेकर आज तक 11 साल हुए, हमारी भाभी को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई है। इस अनुभव के बाद हमारे पूरे परिवार ने बापूजी से दीक्षा लेकर अपने जीवन को कृतकृत्य किया है। संजय सोनवणे, नासिक सातपुर। ये अगर यहाँ आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो हैं, यहाँ पर पीछे हैं? नहीं नहीं, वो बहन तो है ना, ये रही, ये बहन जिसकी मैं बात बता रहा था वो ये खुद है, ये आगे खड़ी। उधर हाथ जोड़ना बहन सबको, ये बहन खुद है। इसको शमशान ले गए थे, लकड़ियों का ढेर रख के उसके ऊपर सुला दिया था इसको। अरे आपके सामने खड़ी है, इनका पूरा परिवार इस घटना का साक्षी है। वाह भाई, धन्यो हम कृतकृत्यों। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष पूरा परिवार और इनका पूरा समाज साक्षी है इस घटना का। बैठो बहन, बैठो।